हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलने वाले हैं आपको ट्राउजर स्लीव वगैरह से रिलेटेड बहुत ही सुंदर से डिजाइंस। तो फिर चलिए आज की वीडियो कर लेते हैं शुरू। आज मैं बनाने वाली हूँ ट्राउजर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ नीचे की तरफ से 3 इंच छोड़कर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है, और उसके बाद आपको एक एक इंच का और गैप देते हुए 3 लाइनें और ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मैं एक एक सेंटीमीटर की सिलाई लगाऊंगी जो हमारा डिज़ाइन बनेगा उसके लिए। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपना ट्राउज़र को कट करेंगे तो उसको हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, यानी उसकी लंबाई हमें 2 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हम ये जो सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हमारा 2 इंच का कपड़ा दबाव में जाएगा। अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने चौक से निशान लगाया है उस निशान को इस प्रकार से पकड़ते हुए यहाँ पे केवल 1 सेंटीमीटर का गैप देकर सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरह से तीनों ही लाइंस को हम यहाँ पे सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे, और बाकी के जो हमारे ट्राउज़र के पार्ट्स हैं, बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला जो दूसरा पार्ट है, उस पर भी हम इसी तरह से निशान लगा के, या फिर आप निशान न लगाएं तो भी आप इस तरह से अगर अंदाजे से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो सिलाई पहले निशान ज़रूर लगा लें। देखिए, अब हम क्या करना है कि इसको जो हमने ये सिलाइयाँ लगाई हैं इनको प्रेस से हम अच्छे से जमा लेंगे, और जिस तरफ से हमें इनका फेस रखना है हम ऊपर की तरफ भी इनका फेस कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी। अभी जो है मेन पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे मैंने जो पेस्टिंग पट्टी ली है 1/4 इंच चौड़ी, इस पर हम इस तरह का पैटर्न जो है कटवर्क का पैटर्न वो ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको पूरे को कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जो है हमें एक फैब्रिक और चाहिएगा, क्योंकि इस पेस्टिंग को हमें उसके ऊपर पेस्ट करना है आयरन से। ये जो हमारी कटवर्क वाली पट्टी है इसको हम ट्राउज़र की रोंग साइड पे रखेंगे, और इसी शेप में जो शेप हमने ये कटवर्क की रेडी की है इसी तरह से इसी फॉर्म में हम यहाँ पे गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। और पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल पास पास में सिलाई चलेगी तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बन के रेडी होगा। Thank you.
सिलाई हमारी लग जाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, बिल्कुल एक पैर का यानी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सारे फैब्रिक को अलग से उसको निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे यहाँ पे सेंटर में, ताकि हमारा अच्छे से यहाँ पे फैब्रिक जो है फोल्ड हो जाए। देखिए कितना आसानी से हमारा ये टर्न हो रहा है और बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे बना है। और ये जो हमने कट्स लगाए थे, इनको लगाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिलाई जो है हमारी वो ना कट जाए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक लेस का यूज, इससे जो है हमारा डिजाइन जो है और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये पतले वाली लेस है और इसको मैं यहाँ पे जो पेस्टिंग थी हमारी इसके अंदर ही दबाते हुए यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो जो भी हमारा ये डिज़ाइन था ये बनकर लगभग हो चुका है तैयार। तो देखिए आपको बताइए कैसा लगा है, और बना के ज़रूर पहनिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी देख लीजिए आप ये फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।